हेलो गाइस, वेलकम टू डे 5। तो आज है हम ले में और यहाँ से निकल रहे हैं कुछ ले का साइट सीन करने, आसपास ही घूमने, क्योंकि अभी हम एक लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड पे आए हैं। तो दिस इज़ रिकमेंडेड, एक दिन आप ज़्यादा एक्टिविटी ना करके ले में ही रुके और ज़्यादा अपने आप को एग्जर्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। तो हो सकता है सांस फूले, सर में दर्द हो, आपको टाइम लगे यूज टू होने के लिए। तो ये था हमारा रूम, जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखा दिया था। और ये है हमारे जेडा टीवी और ये था यहाँ से व्यू। तो आज मेरे कुछ रिलेटिव्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो आज उनसे मिलेंगे, यहाँ के मार्केट्स में घूमेंगे, यहाँ का कुजीन खाएंगे और मज़े मारेंगे। आज पूरा है चिल सीन, ज़्यादा राइडिंग नहीं होगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लेह। तो ये है हमारा होटल मंग्यूल हाउस और ये है होटल के पीछे का व्यू। आगे से मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो अब हमारा प्लान है, हम जा रहे हैं अपनी दीदी के पास, उनसे मिलेंगे, फिर प्लान आउट करेंगे कि दिन में करेंगे क्या। फाइनली गाइस, मिल गया हमें दीदी का होटल, वो घड़ी दीदी। तो मिलते हैं दीदी से और करते हैं दिन प्लान, क्या करना है क्या नहीं। टाइम हो रहा है 2:26। आ गए हैं हम दीदी के होटल में और यहाँ से मेरे पास तो बाइक है, बाकी यहाँ पे 6 लोग हैं। तो हम लोग लेंगे बाइक रेंट पर और उसके बाद जाएंगे मैग्नेटिक हिल और संगम पॉइंट और हम बहुत मजा करने वाले हैं। तो टाइम हो रहा है शाम के 4 और हम निकल रहे हैं घूमने उन जगहों पर जो हम कल रास्ते में भूल गए थे, जैसे कि संगम व्यू पॉइंट और आपका मैग्नेटिक हिल, हॉल ऑफ फेम भी है, वो भी देखेंगे। तो टाइम हो रहा है अभी 4, मेरे ख्याल से 8:30 बजे तक वापस आ जाएंगे। तो निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों फाइनली मिल गई है हमें हमारी बहन पिंकी और वो है सीतू दीदी। हम जा रहे हैं मैग्नेटिक हिल और फिर जाएंगे संगम पॉइंट। तो निकल रहे हैं यहाँ से। भाई सीधे जाना ना। और व्यू देखिए, क्या बढ़िया व्यू है यहाँ से, मजा ही आ गया एकदम। तो दोस्तों आ गए थे हम थोड़ा सा गलत, लेकिन मजा तो उस पहाड़ पे भी आ रहा था। अब यहाँ है थोड़ी सी ऑफ रोड। तो फाइनली पहुंच गए संगम पॉइंट और कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से व्यू। हम ऊपर चले गए थे गलती से, लेकिन वहां पे भी मजे आ रहे थे। देखिए कुछ हमारी बाइक्स। तो फ्रेंड्स पता लग गया हमें, वो जो नदी है वहां से आ रही है सिंध और इधर से आ रही है संस्कार। यहाँ पर हो रहा है नदी का मिलन और ये है संगम पॉइंट और ये है जेडा टीवी। इनको सब्सक्राइब कर लीजिए भाई साहब, इनके थोड़े नखरे ज्यादा है। नहीं, वो सिंध है, ये संस्कार है। संस्कार इधर ही जाके है, अपना अपना कह रहे हैं, पता नहीं दोस्तों। इनमें से एक सिंध है और एक संस्कार है, आप देख लीजिए। और मुझे बोले कि इसके बाद आगे जाके पाकिस्तान चली जाती है। अच्छा, आगे जाके पाकिस्तान चली जाएगी नदी। तो बीच में वाटर आता है नदी में, क्या नदी का ड्रीम कम ट्रू हुआ है। अच्छा, मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी लेह लद्दाख आऊंगी। ये सोचा था पिंकी और मैं दोनों मिल जाएंगे एक साथ।
राइड करेंगे, इतना मस्त एक्सपीरियंस, बहुत मस्त है। घूम लिए संगम व्यू पॉइंट, कैसा लगा भाई? बढ़िया बढ़िया। कौन कौन सी नदी थी? घूमे घुसा दे। एक सिंध थी दूसरी संस्कार। कौन सी वाली सिंध, कौन सी वाली संस्कार? 10 रुपए देगा अगर से बता पाया था। तो यहाँ से निकल रहे संगम पॉइंट से, ये था पहाड़ जो हम नीचे उतर कर आए थे। बहुत अच्छा रास्ता था, मक्खन रास्ता था, मजा आया। तो हमारी दीदी का एक ड्रीम था कि लद्दाख जाके बाइक चलाए, उन्होंने बाइक चलानी सीखी है तो चला रही है मेरी बाइक। देखिए कितना बढ़िया परिवहन चला रही है बाइक। तो फाइनली दोस्तों टाइम हो गया 6:28 और आ गए हम मैग्नेटिक हिल। यहाँ पे क्लिक करेंगे फोटोज वगैरह, करेंगे मजे। तो ये था मैग्नेटिक हिल, मजा आया यहाँ पे, फोटोज वगैरह खिंचवाई, मैग्नेटिक इफेक्ट भी फील हुआ थोड़ा सा बाइक पे। अब निकल रहे हैं ले के लिए और पहुंचेंगे देखते हैं आधे घंटे में। रोड मजा है, इतना प्यारा दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या रिकॉर्ड करूँ क्या छोड़ दूँ। इतनी प्यारी रोड्स और व्यू, पहाड़ी पहाड़, मजा आ रहा है बिल्कुल। ले आके पहली बार आया था इतने और बहुत मजा आ रहा है। तो ये दिख रहा है पेट्रोल पंप और यहाँ चलते हैं और करते हैं रिफिल। मेरे बाइक में अभी है थोड़ा सा पेट्रोल, लेकिन KTM और हिमालयन में तो बिल्कुल नहीं, तो रिफिल करते हैं फिर देखते हैं। दोनों निकल गए। अरे बेटे यार ये रिपीट टूट गए दोनों, मतलब ढीला हो गया होता है शायद। तो अब हम निकल रहे हैं हॉल ऑफ फेम के लिए। यहाँ पे ले में एक म्यूजियम है जो कि वॉर मेमोरियल ही समझ सकते हैं आप। तो जाते हैं उधर। टाइम हो रहा है 7:15, लेकिन आप देख सकते हैं कितना उजाला हो रखता है। चलते उधर और देखते हैं क्या सीन है। पहुंच गए दोस्तों हॉल ऑफ फेम। हमारे दो गाइड्स, टूरिस्ट गाइड जो पहले आ चुके थे, ये हमें घुमा रहे हैं हॉल ऑफ फेम में। इनका नाम पिंकी नहीं हीना है, ध्यान रखिएगा। और वो है हमारी दीदी, सीतू दीदी। व्यू अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आके वही हो जाता है, जब तक बाइक चला रहे हो बढ़िया, चलने लग जाओ तो सास। चलो जाते अंदर, दिखाते आपको क्या क्या है। तो ये दिखता है ले का हॉल ऑफ फेम म्यूजियम, यहाँ पर हम आ गए हैं। तो कुछ ऐसा लाइट शो दिखेगा हमें यहाँ, और सब लोग यहाँ बैठ गए हैं, हम उधर जा रहे हैं। सब लोग शायद हमारा ही वेट कर रहे हैं उधर पहुँचने का। देखिए गाइस कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। ये हमारे लिए कॉर्नर की सीट्स बुक्ड है। कॉर्नर सीट से भाई। तो हो गया यहाँ पे लाइट शो। सरजमीन हिंदुस्तान तेरे उन जानिसारों, जाबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। सफेद बर्फ पर लाल सियाही से देखो,
दुश्मन की तबाही लिख रहा, देश को मेरी उम्र लग जाए, देश को मेरी उम्र लग जाए, देश को मेरी उम्र लग जाए, देश को मेरी उम्र लग जाए। आते समय जिस वीरभूमि पर पहुंची ये भले ही बंजर है, लेकिन इसे भारत माँ के अनगिनत सपूतों ने अपने अपनी वीरता से दिलाया। इसी गौरवशाली सरजमी पर मैं आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये आवाज तो मेरी है, लेकिन जज्बा हिंदुस्तानी सैनिकों का है। मैं हिमालय की गोद में काराकोरम, जंस्कार और लद्दाख पर्वतमाला के बीच समुद्र तल से 3500 मीटर ऊपर स्थित हूँ। आप लोगों ने मुझे नाम दिया है हॉल ऑफ फेम। मैं सिर्फ एक स्मारक नहीं, भारतीय सैनिकों की आत्मा जो अनगिनत बलिदान और देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों की याद अपने दिलों में संजोए खड़ा है, और वीर भारतीय सैनिकों की कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। आप यहाँ शहीद हुए सैनिकों की जुबान से निकले जय हिंद घोष के जज्बे का एहसास कर सकते हैं। इस एहसास में ऐसा जादू है कि आपका सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। तो फाइनली अब निकल रहे हैं यहाँ से हॉल ऑफ फेम से होटल की तरफ। आज का दिन बहुत अच्छा था, संगम पॉइंट देख लिया, मैग्नेटिक हिल देख लिया, हॉल ऑफ फेम बेस्ट चीज जो थी वो हॉल ऑफ फेम था, और बहुत मजा आया। निकल रहे यहाँ से होटल की तरफ। तो फाइनली दोस्तों पूरा दिन घूम कर जा रहे हैं हम वापस अपने होटल। दिन बहुत अच्छा निकला। व्लॉग में कुछ आपको प्रॉब्लम लग रही होगी क्योंकि मेरा माइक खराब हो गया है, तो इसके लिए कोई सॉल्यूशन देख रहा हूँ मैं। नहीं हो पाया तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा, तो उसके साथ आप थोड़ा बेर कीजिएगा। आपको अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे कल। कल का प्लान ये है कि जाएंगे यहाँ से पेंगोंग लेक और दिखाएंगे आपको रास्ते में। ऑल दैट वे, कीप वॉचिंग।